नादरा गौर कर दे जरा पढ़ाओ अपने पुत्र नु कुरान पढ़ाओ अपनी बेटी नु कुरान पढ़ाना अपनी नस्ल नु कुरान और पढ़ाना अपनी औलादा नु कुरान और सीने आदि अंदर सेव कर जा ओए कुरान सेव कर दाना सोनिया इना दे सीने आदि अंदर कुरान दा विरद जारी कर जा तवज्जो करना जरा आउना मैं आखरी गल्ला करां ते गल मुकांदा जावां एक बंदा है बहुत बड़ा डाकू है ए जनाबे वाला दा नाम है बिशर बिन हाफी ए बिशर नामी बंदा है वक्त दा बड़ा वड्डा डाकू है ए जनाबे वाला एक दिन घरों निकली है गुरबत ने जेब च पैसा तेला कोई नहीं इको दिनार है आ वेखिया जे कुरान दी वजह तो दुनिया बदलदी किवें वे गौर न गल सुन लिया जे ए जनाबे वाला जेब दे अंदर इको दिनार है ते भुख बड़ी लगी हुई है भुख ने सताया होया इंज निकलिया है राह जांदियां अचानक दी नजर पै जांदी है नजर पई है ते जनाब सामने एक गंदगी दा ढेर ओदे ते पर्ची पई हुई है उस पर्ची ते कुरान ते कुछ हरूफ लिखे हुए ने जिन्हां दे अंदर कुरान दा लफ्ज़े अल्लाह भी लिखिया होया है ए जनाबे वाला है डाकू है इहदे दिल दी अंदर मोहब्बत जागी है सगा होके फटाफट उस पर्ची नूं फड़ लिया है उस कागज दे टुकड़े नूं पकड़ लिया है ते पकड़ के ने अपने कपड़ियां नाल साफ कर लिया ते जनाब इंज पकड़ के देखण लग पिया ते नाले रोण लग पिया है आदे कुरान लिखिया होया है ते मैनू पालन वाले रहमान दा नाम लिखिया होया है ते कागज दा टुकड़ा किथे गंदगी दे ढेर दे उत्ते बिखरिया फिरदा है इहने अज जनाब सीने नाल ला लिया लाहौरियो ए जनाब लै के ते बाजार चला गया है हुण सोची पै गई है भुख भी लगी है ते इहनू भी किसे सेव जगह ते रखना है ते जेब दे अंदर इक्को दिनार है आंदा रोटियां फिर खावांगे पहला इहदे नाल मैं प्यार कर लवां ते ए जनाबे वाला इहने एक दिनार एक दिरहम दी उत्थों जनाब खुशबू लई है खुशबू लै के इस पर्ची ते लगा इहदा अपना सौ के इने परजी ते लगाई है लेके ते बार दरखत लबण लग पिया एक दरखत नजर आया है ते दरखत नजर आया ए दरखत दे उत्ते चढ़ गया है उत्ते चढ़ के ते जनाब सब तो ऊपर जाके इस बंदे ने जाके ए जनाब इस परजी नु जिदे ते कुरान दे हरूफ लिखे ने उत्ते जाके किते अटका दिता है ए जनाबे वाला नीचे ना गिरे ए अल्लाह दे शायर अल्लाह दे कुरान अल्लाह दे नाम दी तजीम कीती है ते जनाबे वाला मोहब्बत नाल कीती है अल्लाह ला इस तजीम दे बारे जिहड़ा कुरान दी इज्जत करदा है रहमान दी इज्जत करदा है शायरुल्लाह दी इज्जत तौकीर करदा है अल्लाह दे नामां दी तौकीर करदा है ओहदे बारे कुरान ने पता जे की आखिया है तवज्जो नाल जरा गल सुन लिया जे गौर करिया जे कुरान आंदा है फरमाया ज़ालिका व मैयु عزم شائر الله فإنها من تقوى القلوب فرمایا جڑا بندہ تعظیم کر دے اللہ دے شائر دی اللہ پاک دے جناب والا نا ناماں دی اور اللہ دیاں لگائیاں گئیاں حداں دی تعظیم کر دے عزت کر دے او دے دل دے اندر اللہ تقوی پیدا کر دیندا ہے اللہ دے تے رحمتاں کر دیندا او عزتاں ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਾ ਅਮਲ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਏ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ ਤੌਬਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪਿਆ ਕੁਰਾਨ ਬੜੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਪਿਆ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਸ ਬਿਸ਼ਰ ਡਾਕੂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਏ ਇਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਏ ਮੇਰੇ
रहमान ने इस बंदे उस दौर का वली बना छड़िया है। वली ऐसा बनाया है कि रहमान को जो भी मंगता है मेरा रहमान दी दुआ रद्द नहीं करता, अल्लाह की दुआ की भी इज्जत करता है, अल्लाह इन इज्जत भी दिखाई ने। किस वजह तो इन्हें कुरान की इज्जत की दी है, अल्लाह के नाम की इज्जत की दी है। और मेरे रहमान ने इन इज्जत दी है, इज्जत दी है कि अपना दोस्त बना लिया, अपना वली बना लिया। लोग दूर दूर के इलाकों तो आते हैं आके इस बंदे को दुआवां कराते हैं। और कभी दुनिया डरती सी, अज दुनिया आके तेरे को दुआवां कराती है। और सोने कि वजह तो कुरान की वजह तो। और लड़ तू लग जा दुनिया आखरत अब्दर, मेरा रहमान तेरिया नस्लों भी कुरान की मुहब्बत की वजह तो इज्जत अता कर देगा। कुरान